नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक टेलीग्राम से रिलेटेड होने वाला है। काफी छात्रों को कल से एक अपडेट मिल रही है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। जैसे कि आप में से ज्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट है, उन्होंने टेलीग्राम पर काफी ज्यादा जो एजुकेशन से रिलेटेड जो ग्रुप वगैरह है वो आपने ज्वाइन कर रखा होगा। आप चाहे राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको आपने ज्वाइन कर रखा होगा। वहां पर आपने लगातार इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो टेलीग्राम है वो बंद हो सकता है, आप व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब काफी छात्रों को पता नहीं है कि टेलीग्राम में ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि ये बंद हो सकता है। साथ में भारत सरकार ऐसी कौन सी जांच शुरू करने जा रही है जिसके बाद में अगर उसमें कुछ डिफेक्ट पाया जाता है तो टेलीग्राम को डायरेक्ट बैन किया जा सकता है। आपको पता है कि भारत में 5 मिलियन टेलीग्राम यूजर्स है और रजिस्टर्ड यूजर्स है, जो कि काफी ज्यादा संख्या है। अगर जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं कि जो एक तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह परचेज करते हैं और टेलीग्राम पर वो क्लासेज उनको मिल जाती है और वो लाइफ टाइम के लिए रहती है, ठीक है, वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, जैसे कि 1 साल का 2 साल का। वहां पर आप लाइफ टाइम जब तक टेलीग्राम पर वो कोर्स है वो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या होगा, साथ ही में अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म है वो मिलेगा जहां पर आप यूज वगैरह कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स का अपडेट यानी एक तरीके से आर्टिकल है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है यहां पर जो बात है वो कहां से उठी है, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए जानना। यहां पर क्या है कि टेलीग्राम फाउंडर्स अरेस्ट पार्ट ऑफ ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टर्स से। इसमें क्या है वो चलिए मैं बता देता हूं। ए केस वाज ओपन्ड लास्ट मंथ टू इन्वेस्टिगेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी ड्रग सेल्स फ्रॉड एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन द प्लेटफॉर्म। एप्स फाउंडर पावेल ड्यूरोव वाज डिटेन्ड ओवर द वीकेंड नियर पेरिस, ठीक है, यानी कि इनको फ्रेंच पुलिस के द्वारा पेरिस में एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये किस वजह से किया गया था, यहाँ पर कुछ जो इलीगल एक्टिविटी है वो एक तरीके से टेलीग्राम पर देखी गई है, जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गया, साथ में ड्रग सेल्स वगैरह हो गया, उसके बाद में फ्रॉड हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गया, ये इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिला है। इसके बाद में जो टेलीग्राम की सीईओ है पावेल ड्यूरोव, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में, अरेस्ट करने के बाद में भारत सरकार के द्वारा भी ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इस ऐप की, यानी कि ये मंडे को किया गया था, यानी कि कल ही किया गया था, उसके बाद में अब इस ऐप की एक तरीके से जांच पड़ताल है वो भारत सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर प्रोस्पेक्टर्स इन्फ्रेंस सेड ऑन मंडे द पावेल ड्यूरोव द एंटरप्रेन्योर हु रन्स द टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैड बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन इन्वेस्टिगेशन ओपन्ड लास्ट मंथ इनटू क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द ऐप एंड ए लैक ऑफ कॉर्पोरेशन विद लो एनफोर्समेंट, ठीक है, यहां पर ये पूरी जानकारी दे रखी है। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि भारत सरकार को क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है कि इसकी वजह से एक तरीके से यहाँ पर इस ऐप को एक तरीके से बैन किया जा सकता है, वो भी आपको जैसे आज तक की एक तरीके से आज तक का जो आर्टिकल है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि एक बार मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ से आपको शो जाएगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। इसमें बताया गया कि पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ जो पावेल ड्यूरोव है उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार की जांच शुरू करने जा रही है, ठीक है। सरकार जानना चाहती है कि क्या इस ऐप पर इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो रहा है, साथ में जो एक्सटोर्शन है, साथ में गैम्बलिंग है आदि शामिल है, यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर जांच में एक तरीके से दोषी पाया जाता है, यानी कि टेलीग्राम में कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है, तो इस पर बैन तक लग सकता है। ये कंफर्म है, अगर उनको लगेगा, भारत सरकार को लगेगा कि इसमें इलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे कि फ्रॉड वगैरह हो गया, साथ में कुछ जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, ऐसे कुछ एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है, तो ये एक तरीके से बैन हो सकता है। अब यहां पर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा हो सकता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखो 5 मिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड है इंडिया में, साथ में जो इसके लिए जो भारत में यह जांच गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C शुरू कर सकती है, ठीक है। जांच का फोकस किन टॉपिक्स पर रहेगा, एक तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन रहता है, जैसे कि आपका इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड आपका जिस तरीके से व्हाट्सएप में रहता है, यानी कि आपका जो भी एक तरीके से मैसेज वगैरह भेजा जाता है वो एक तरीके से सिक्योर रहता है या नहीं रहता है, ये चीजें इसमें पीयर टू पीयर में चेक किया जाएगा। साथ ही में गैर कानूनी
कानूनी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइल डिसीजन जांच की रिपोर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ये जानकारी यहाँ पर रहेगी। अब आप सभी छात्रों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर देखो अभी मेरे भी एक तरह से बादल एजुटेक का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर 5000 यूजर्स अभी फिलहाल ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। आप भी, आप में भी जितने भी स्टूडेंट है, आप एक तरीके से व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस वजह से जो टेलीग्राम है वो एक तरीके से बैन हो सकता है। यहाँ पर काफी छात्रों को पता नहीं था कि क्या पूरा मामला है, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब देखो अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो दिक्कत तो काफी छात्रों को आएगी, क्योंकि ऐसे ग्रुप वगैरह रहते हैं जिनमें सभी जानकारी एक तरीके से पहले से दी जा रही थी। काफी ऐसे चैनल थे जिन पर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 तक यूजर्स ऑलरेडी ज्वाइन थे, लेकिन यहाँ पर अभी व्हाट्सएप में ये सब कुछ करने में टाइम लगेगा। बाकी देखो आदत की बात तो होती है, अगर वहां से आदत छूटेगी तो व्हाट्सएप तक भी वो आदत आ जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी एक तरीके से आपका व्हाट्सएप चैनल बन जाता है, उसमें कोई भी एक तरीके से अननोन यूजर है, किसी के भी नंबर वगैरह, जैसे गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी भी के अननोन नंबर है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि पर जो एडमिन है, एडमिन भी वो नंबर वगैरह नहीं देख पाता। तो आप उससे चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी इसके ऊपर अभी जांच चल रही है भारत सरकार के द्वारा। इंडियंस के बारे में अगर वो सोच के चलते हैं, उनको लगता है कि इस पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है और ये एक तरीके से सेफ प्लेटफॉर्म है, तो वो बैन नहीं होगा। बाकी यहां पर 90% चांसेस है कि ये बैन हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।